हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप आ वीडियो में स्टैंडर्ड सेकंड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी अमोल एम लेसन नंबर 6 अने आ सेमेस्टर नो लास्ट यूनिट छे एना विषे आपणे समझीशुं। उ की मात्रा उ आ कयो उ छे? दीर्घ उ। अगाउना वीडियो में आपणे हस्व उ विषे शीखी गया। हाँ, तो आपणो हस्व उ अने दीर्घ उ एटले आ रीते। चलो सूरज, सूरज छे तो एमां सन ने कई मात्रा लागेली छे? दीर्घ ऊनी मात्रा एटले SUN सन अने सूरज एवं बने। भालू तो एमां ल छे ने कई मात्रा छे? दीर्घ मात्रा एटले भालू, बियर छे ने इंग्लिश आ कहेवાય। मूली एटले के रेडिश, मूळो एमां म छे तो ने कई मात्रा लागेली छे? दीर्घ मात्रा। आलू तो एमां ल छे ने दीर्घ ऊनी मात्रा लागेली एटले के बटेटू, पोटेटो POTATO। अने रेडिश RADISH रेडिश एटले मूळो। पटकर शीखो, रीड एंड लर्न। फूल, फ्लावर, चूड़ी, बेंगल, झूला, स्विंग, जादूगर, म्यूजिशियन, बूढ़ा, ओल्ड मैन, खजूर, डैश, नूतन यानी न्यू, कबूतर यानी पिजन, चूहा, रेट, पूरब यानी ईस्ट, खरबूजा, मस्कमेलन, तरबूज, वाटरमेलन। तो इन सभी में आप देख सकते हो कि कौन सी मात्रा लगी हुई है? दीर्घ उ की मात्रा है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। लिखो, राइट। इधर थ को दीर्घ मात्रा लगी हुई है इसलिए धू। प को दीर्घ मात्रा तो पू। स को दीर्घ मात्रा तो सु। द को दीर्घ उ की मात्रा यानी दू। तो ये आपको पेंसिल से इसके ऊपर ही लिखना है। धू से हम बात करें तो धूप, पू से बात करें तो पूरी, सु से बात करें सूरत, दू से बात करें तो दूरबीन। ओके, चलो। र के साथ जब उ आता है तब ये उ की मात्रा बनती है, याद रखना है हमें। र के साथ जब उ की मात्रा आती है हस्व उ की, तब ये दीर्घ उ है ना वो बनता है। जैसे कि इधर आपको रू दिया गया है, बराबर, ये क्या है? दीर्घ रू। चलो गरुड, गरुड की मैं बात करूँ तो गरुड ऐसे हम लिखते हैं ना, तो ऐसे ही आपको इधर किया है। ग को हस्व मात्रा लगानी है और र को भी अश्व मात्रा, तो इधर क्या बनेगा? गुरु यानी टीचर, एक शिक्षक TECHER। रुपया तो र जब अश्व मात्रा लगे हस्व उ की मात्रा तब ये रुपया, ऐसे हम लिखेंगे रुपया RUPEE। अमृत की हम बात करें तो अमरुद तो GUAVA ग्वावा जिसको बोलते हैं। रुमाल की मैं बात करूँ तो रुमाल यानी कि एंकर चीफ, HANDKERCHIEF। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। पढ़कर लिखो, रुई यानी कॉटन, शुरू तो स्टार्ट, रुचि यानी इंटरेस्ट, रूलर यानी RULER रूलर, रुकना यानी STOP, जरूर यानी ऑफकोर्स OFCOURSE, अरुण यानी ARUN अरुण, रुठना तो SULK शुल्क। चलो लिखो रुचि, कैसे हम लिखेंगे? आपको दिया गया है रू, रुचि, उसके बाद है रुकना, रुदन, शुरुआत, रूखा, रूमाल, रूपा और रुठना। तो ये जब र को लगती है ना हस्व उ की मात्रा तब ऐसे आता है। र को जब हस्व मात्रा लगे तो ऐसे में लिखना है और दीर्घ मात्रा आए तब ऐसे लिखना है। ओके, आ गए समझ में? चलो भूखा भालू, हंग्री बियर, सूरज निकल आया था, बुढ़ा भालू जाग गया था। सूरज है वो निकल आया था, बुढ़ा भालू जाग गया था। भालू भूखा था, वह इधर उधर भाग गया है ना, भूखा होने के कारण इधर उधर भागने लगा। दूर एक खरबूजा पड़ा था, दूर एक क्या था? खरबूजा। भूखा भालू खरबूजा उठा लिया, ये भाग भालू जो बहुत भूखा था इसलिए उसने यह खरबूजा यानी कि तरबूज उठा लिया। वह खरबूज खाकर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी, जिसके कारण वो दोनों उसमें उसे मिल जाए। खरबूजा बहुत मीठा था, खरबूजा खाकर भालू की भूख भी मिट गई
और उसकी जो प्यास थी वो भी मिट गई। अब वह नाच रहा था। शब्दार्थ बुढ़ा यानी अधिक आयु का, ओल्ड जिसको बोलते हैं भूखा यानी जिसे कुछ खाने की इच्छा हो यानी कि हंग्री, खुश यानी हैप्पी, खरबूजा यानी एक फल, मस्कमेलन, दूर यानी अवे, नाच यानी डांस, अभ्यास एक्सरसाइज श्रुत लेखन उसमें सूरज, भालू, भूखा, दूर, खरबूजा, बूढ़ा, ये सभी वर्ड दिए गए जो आपको अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। उसके बाद चित्र पहुँचाना और उचित स्थान पर दीर्घ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो, जैसे कि पूरी वो तो आपको दिया ही है, तरबूज तो इसमें क्या आएगा, ब को दीर्घ उ की मात्रा लगानी है, जादूगर तो जादूगर में कौन सी आएगी मात्रा दीर्घ उ की, ऐसे हमें करना है, चूड़ी यानी कि बेंगल तो च को दीर्घ उ की मात्रा लगानी है, और लास्ट में है कबूतर तो कबूतर में ब को दीर्घ उ की मात्रा लगानी है। चलो उ और ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा के शब्दों को अलग अलग करके लिखो, जैसे कि गुलाब इसमें आपको दिया गया है धूप ए तो वो इसमें आएगा, चूहिया तो ये इसमें आएगा, आलू दीर्घ हुआ इसलिए इसमें, मुरली तो ह्रस्व हुआ इसलिए इसमें, रुपया तो ये ह्रस्व हुआ इसलिए इसमें, रूपा तो ये ह्रस्व हुए दीर्घ हुए इसलिए इसमें। ओके चलो आगे हम बात करते हैं, शब्द बनाओ, दू में म लगाओ तो दुम, दू ख दू आ दू ला र दू र दू त दू ब ने दू त। ओके चलो अंग्रेजी शब्द, राइट दिस वर्ड इन इंग्लिश, चलो खजूर तो डैच तो झूला, उसके बाद मूली और भूखा,